हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो उत्तराखंड पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को लेकर, जी हां, उत्तराखंड पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को लेकर एक बड़ी खबर आई है। चलिए उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है। आगे बढ़ते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए। तो यहाँ पर जो बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है कि कांस्टेबल भर्ती में, जी हाँ, कांस्टेबल भर्ती में 22 वर्ष की आयु की वैधता खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। जी हाँ, माननीय कोर्ट द्वारा इस जो ये PIL डाली गई थी उसको जो है खारिज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा में 22 वर्ष की बाध्यता को समाप्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष 15 दिसंबर को इसकी सुनवाई हुई थी। विनोद भट्ट व अन्य ने याचिका दायर करके कहा था कि सिविल पुलिस में कांस्टेबल बनने के इच्छुक थे, लेकिन 22 वर्ष से अधिक आयु के कारण वो चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे। जैसे कि आपको बताया कि 18 से लेकर 22 साल जो है आयु होती है आपकी जनरल कैंडिडेट्स की जो है उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल की। बाकी अगर आप SC ST OBC में हैं तो इसमें एज पर रूल आपको जो है आयु सीमा में छूट दी जाती है। लेकिन जनरल कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जो है याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने 2022 में हुई चयन प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष की शर्त को चुनौती दी थी। उन्होंने दलील दी थी कि उन्हें 8 साल की छूट दी जाए, क्योंकि आखिरी बार जो भर्ती आई थी वो आपकी 2014 में आई थी। सरकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है और चयन प्रक्रिया बहुत पहले ही संपन्न हो चुकी है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं, ये मामला 2022 की उम्र सीमा को ही लेकर है। तो आप देख सकते हैं, लगभग 1 साल से भी ऊपर होने को है इसकी चयन। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अप्रैल के फाइनल मंथ में जो है इसका रिजल्ट आया था। काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसमें ज्वाइनिंग भी ले ली है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स ने इसको छोड़ भी दिया था। लगभग 250 से ऊपर पद हैं जिनमें अभी भी पद खाली पड़े हैं, लेकिन इसकी चयन सीमा को लेकर और उम्र सीमा को लेकर आज जो है जाके आप देख सकते हैं 15 दिसंबर को फाइनल हियरिंग हुई। तो काफी चीजें लेट हुई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें नुकसान हुआ। अगर यही रिजल्ट पहले आ जाता तो शायद और ही कुछ बात होती। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है यार, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।